ओके माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज एक नया चैप्टर शुरुआत करेंगे सीए फाउंडेशन के अंदर। मैथ्स वाले पेपर में लॉजिकल रीजनिंग वाला जो पार्ट है उसमें हमारा एक चैप्टर है पढ़ने को, ब्लड रिलेशंस बोल के। उस चैप्टर को अभी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। ब्लड रिलेशंस में क्या है, आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि ये जो ब्लड रिलेशन क्रिएट होता है लोगों के बीच, रिश्ते जो होते हैं, ये बाई बर्थ क्रिएट होता है और बाई मैरिज क्रिएट होता है। जो भी रिलेशनशिप्स पीपल के बीच जो ब्लड रिलेशंस यहाँ पर पढ़ने हैं, ऐसे हमारे जो फ्रेंड है हम लोग उनको भी भाई बुलाते हैं, तो वो सब रिलेशन है अपने जगह पे। लेकिन मैं यहाँ पर ब्लड रिलेशंस की बात कर रहा हूँ जो कि अगर नेचुरली देखा जाए तो ये बाई बर्थ क्रिएट होता है या फिर बाई मैरिज क्रिएट होता है, ठीक है। दूसरी बात आपको ये समझना होगा यहाँ पर कि यहाँ पर जब आप लोग ब्लड रिलेशंस वाला ये पूरा चैप्टर पढ़ोगे, इसके क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में होंगे और मैं भी आपको बहुत सारे अभी प्रॉब्लम्स भी इसके ऊपर कराऊंगा, तो आपको इसमें जो जेंडर होता है ना, मतलब जिसको ये सम्स करना है, यहाँ पर जेंडर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मतलब बिना जेंडर को आप कंसिडर किए अगर सम्स को बनाने जाओगे तो आप कहीं ना कहीं गलती कर बैठोगे। तो यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त जेंडर का नॉलेज होना आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा वहां पर, कि जो सम्स में जिस पर्सन का नाम बोल रहा है उसका जेंडर मेंशन होना चाहिए, मेल है कि फीमेल है, ये मेंशन होना बहुत जरूरी है वहां पर। और कुछ मैं आप लोगों को यहां पर एग्जांपल्स लिख रखा हूं और भी मैं कुछ एग्जांपल्स बताने वाला हूं, करीब करीब 25 के आसपास होगा ये, 25 या 30 के आसपास कुछ एग्जांपल्स है। वेल डिफाइंड रिलेशनशिप ऑफ आवर सोसाइटी, मतलब जो सोसाइटी में सभी लोग मानता है कि इन रिश्तों को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को नॉर्मली इसका नॉलेज पहले से भी है, ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ नया यहाँ पर बताने वाला हूँ, इतना तो आप लोगों को भी पता है। हाँ, उसको सम्स में कैसे प्रॉब्लम्स में यूज करना है ये मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे मैं इस लिस्ट में ऐसा भी लिखाऊंगा जो आपको हो सकता है नहीं पता हो, कंफ्यूजन भी हो उसको लेकर के, तो मैं ये सब कुछ आपको मेंशन करके दूंगा। जैसे फादर के फादर, आपके पिताजी, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो ना तो आप अपने को ही सिर्फ यहाँ पर अज्यूम करके देखो। अगर आप गर्ल्स हो तो आप फीमेल हो तो आप अपने हिसाब से, अपने पेरेंट्स के हिसाब से, अपने मम्मी पापा के हिसाब से सोचो। आप अगर मेल हो तो भी आप अपने, मतलब अपने अपने पे सोचो, तब ये पूरा चीज क्लियर आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर फादर्स फादर, आपके पिताजी हैं, उनके पिताजी जो है उनको आप लोग ग्रैंड फादर बोलते हो, ठीक है। नेक्स्ट फादर्स की जो मॉम है, मम्मी है उनकी, उनको आप लोग ग्रैंड मदर बोलते हो, दादाजी दादी जी, ठीक है। फिर उसके बाद से ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर का जो सन है, मतलब आपके दादाजी या दादी जी के जो बेटे हैं, सन है, या तो आपके पिताजी होंगे या फिर आपके अंकल लोग होंगे, यही दो लोग हो सकते हैं, या तो वे आपके पिताजी होंगे या फिर आपके अंकल हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर का ओनली सन, मतलब आपके दादाजी और आपके दादी जी का इकलौता संतान, इकलौता बेटा। इकलौता बेटा अगर है तो ऑब्वियसली वो आपके पिताजी ही होंगे, तभी आप एग्जिस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये आप अगर एग्जिस्ट कर रहे हो, आपके पिताजी इकलौते बेटे हैं अपने मम्मी पापा के, तो वे आपके फादर ही होंगे, ठीक है। ये सब सम्स में ऐसे लिखा रहेगा पूरा, मतलब क्वेश्चन के अंदर आपको उसमें सही आंसर चूज करना होगा, ठीक है। और आपको पता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपका पेपर, तो आपको सब कुछ ध्यान से रख के एक बार ही टिक करना है जो कि सही हो। फिर ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर का ओनली डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ मतलब ओनली सन अगर है तो उनकी वाइफ ही उन लोगों की डॉटर इन लॉ होगी। जैसे आपके ग्रैंडफादर मतलब आपके दादाजी, आपके दादी जी की एकलौती बहू, ओनली डॉटर इन लॉ, तो वो आपकी मम्मी ही होगी, क्योंकि आपके पिताजी इकलौते सन, तो उनकी इकलौती मतलब उनकी जो वाइफ होगी वो आपके ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर की इकलौती बहू होगी जो कि आपकी मदर होगी। तो ये रिलेशंस आपको याद रखना होगा, मदर्स और फादर के जो सन होंगे, मतलब आपके मम्मी और आपके पापा के जो बच्चे होंगे वो आपके भाई होंगे, उनकी जो डॉटर होंगे आपके मदर फादर के डॉटर वो आपके सिस्टर होंगे। नेक्स्ट आपका रियल ब्रदर और रियल सिस्टर जो होते हैं, जो एकदम एक ही माँ बाप के संतान होते हैं, उनको सिबलिंग्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका फादर्स का जो ब्रदर है, मतलब आपके पिताजी के भाई, आपके पिताजी के अगर कोई भाई है तो आपके अंकल है वो। नेक्स्ट आपके अगर पिताजी की कोई सिस्टर है तो आपकी आंट है, जिसको आप लोग बुआ जी बोल के बुलाते हो, वो आंटी है, ठीक है। देन आफ्टर और भी कुछ रिलेशन के लिस्ट है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों को 15 सेकेंड दे रहा हूँ,
आप बस वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा अगर आपको करना होगा तो। देन आफ्टर मैं नेक्स्ट पेज पे फिर नए कुछ लिस्ट के साथ आपसे मिलूंगा। जल्दी कीजिए आप लोग। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये आपका नया लिस्ट है जो इसे भी आपको समझ लेना चाहिए। समझने के बाद फिर आपको कॉपी करने का भी मैं मौका दूंगा। ध्यान दीजिए, ब्रदर्स सन, अगर आप समझो कि आपका भाई है उसका बेटा हो चुका है, ठीक है, बड़ा भाई है उसका बेटा हो चुका है, ब्रदर्स सन उसको नेफ्यू बोला जाता है, पता आप लोगों को ये बात। ब्रदर्स डॉटर नीस बोला जाता है उसको। फिर वाइफ ऑफ अंकल, अंकल के वाइफ को आंटी बोलते हो आप लोग, और हस्बैंड ऑफ आंटी अंकल बोलते हो, दिस इज सिंपल वेरी। अब इसमें आपके अंकल जैसे अंकल में आपके मामा जी भी आ जाएंगे और आपके पिताजी के जो भाई हैं आपके चाचू वो भी आ जाएंगे इसमें, ठीक है। आंटी में की मामी भी आएगी और आपकी जो ताई जी है वो भी आएगी, मतलब इसमें दोनों लोग रिलेशन में आ जाएंगे। देन आफ्टर अंकल्स और आंट्स, सन और डॉटर, मतलब आपके अंकल या आंटी के जो बच्चे हैं उनके बेटे या बेटियां कोई भी, तो आप उनको आप लोग कजन बोलते हो। देन ग्रैंडसन्स और ग्रैंडडॉटर्स सन, मतलब आप काफी बूढ़े हो चुके हो, ठीक है, आपका एक ग्रैंडसन है, ग्रैंडसन का मतलब होता है आपके बेटे का बेटा और उसका भी जो बेटा होगा, ठीक है ना, मतलब आप एक 80 साल के बूढ़े हो चुके हो, आपके बेटे का भी बेटा है और उसका भी सन हो चुका है, अब आप जिंदे हो, जल्दी जाने का जरूरी है, तो आपका जो वो बच्चा जो होगा उसमें ग्रेट ग्रैंड सन होगा, ठीक है। वैसे ही ग्रैंडसन्स और ग्रैंड डॉटर्स की जो डॉटर होगी वो ग्रेट ग्रैंड डॉटर बोली जाएगी। देन आफ्टर अनमैरिड फीमेल को स्पिंसर बोलते हैं, ठीक है ना, अनमैरिड फीमेल स्पिंसर बोले जाते हैं, अनमैरिड मेल बैचलर। देन आफ्टर आपका मदर्स फादर, मतलब आपके मम्मी के जो पिताजी है जिनको आप लोग हिंदी में नाना जी बोलते हो, उनको मैटरनल ग्रैंडफादर बोला जाएगा। अब आपका पेपर तो इंग्लिश में ही आप लोग अटेंड करते हो तो उसमें आपको यही वर्डिंग मिलेगा, आपको वहाँ पे नाना जी नानी जी नहीं मिलेगा, इतना प्यार नहीं जताना होगा वहाँ पर पेपर में बैठ के एग्जाम्स में आपको। देन आफ्टर मदर्स मदर, मतलब आपकी जो नानी जी है मम्मी की मम्मी, उनको आप लोग मैटरनल ग्रैंड मदर बोलते हो, ठीक है। तो ये आप लोगों का एक दूसरा लिस्ट था, मैंने समझाया भी इसको, बहुत सिंपल चीज है ये सब, बस इसको आपको प्रैक्टिकली जब क्वेश्चन में करोगे ना थोड़ा घुमावदार तरीके से वहां पे पूछा जाता है ताकि आप कंफ्यूजन में जाके गलत ऑप्शन पे टिक कर दो, तो आप लोगों को उस चीज का ध्यान रखना होगा। और मैं प्रॉब्लम अभी कराऊंगा ही आपको, तो सारी चीजें सब क्लियर होगी। आप लोग पहले इस लिस्ट को भी कॉपी कर लो, आपको और एक लिस्ट दिया जाएगा, फिर से आपको कॉपी करने का कुछ सेकंड में दे रहा हूँ, जस्ट पॉज करके आप कॉपी कर सकते हो और देन आफ्टर मैं अगला लिस्ट आपके सामने लेकर आऊंगा। ओके, डू इट। चलिए एक और नया और आखिरी लिस्ट आपके सामने है, इसे ध्यान से देखिए। ये मम्मी के साइड से बात कर रहा है और हालांकि आपको जब भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन कर दे, जैसे क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि पैटर्नल साइड यानी फादर के साइड से आपका रिलेशंस या फिर मैटर्नल साइड मतलब मम्मी के साइड का रिलेशंस, अगर ये आपको मेंशन कर दे तब तो बेहतर है, और अगर नहीं मेंशन करे कि ये मम्मी के साइड के रिलेशन के बारे में अंकल के बारे में बात कर रहा है या फादर के साइड वाले अंकल के बारे में बात कर रहा है, तो आप हमेशा
पैटर्नल साइड ही लोगे, मतलब फादर वाले साइड से ही कंसिडर करके आंसर देना होगा आपको, जब अगर क्वेश्चन में कंफ्यूजन ऐसा क्रिएट करे तब की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये चीज मैं दिखा दूंगा आपको नोट्स में अभी। तो यहाँ पर देखिए, मदर्स का ब्रदर मामा जी यानी मैटरनल अंकल, देन आफ्टर मदर्स का सिस्टर मैटरनल आंट जिसको मौसी आप लोग बोलते हो, देन हस्बैंड्स और वाइफ सिस्टर, हस्बैंड और वाइफ की जो सिस्टर होगी यानी किसी अगर फीमेल है तो उनके हस्बैंड की जो सिस्टर होगी उसको सिस्टर इन लॉ बोलते हैं, और अगर कोई मेल है उनकी वाइफ की जो सिस्टर होगी उसको भी आप सिस्टर इन लॉ बोलोगे। देन आफ्टर हस्बैंड्स और वाइफ के जो ब्रदर होते हैं उनको आप ब्रदर इन लॉ बोलते हो। देन आफ्टर सन की जो वाइफ है मतलब आपके बेटे की जो पत्नी है देन उसको आप डॉटर इन लॉ, देन डॉटर्स हस्बैंड डॉटर का जो हस्बैंड है उनको सन इन लॉ। अभी हिंदी में इनका मतलब आप सबको पता ही है, घर में बात होता होगा तो आप समझते ही हो। सिस्टर्स सिस्टर्स हस्बैंड ब्रदर इन लॉ, एंड ब्रदर्स वाइफ सिस्टर इन लॉ, एंड देन आफ्टर हस्बैंड एंड वाइफ को स्पाउस बोला जाता है, मतलब पति और पत्नी दोनों को मिला करके स्पाउस बोला जाता है। ये आपको कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद मैं आपको एक नोट से लिखा दे रहा हूँ इसको, देन आपको इसके लिए भी कुछ सेकेंड अलाउ किया जा रहा है, एंड देन आफ्टर मैं एक छोटा नोट्स लिखा देता हूँ जो आपको सम्स बनाने में काम आएगा, और उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम सम से बिगिन करेंगे। चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कर डालिए आप लोग। अब कुछ स्मॉल नोट्स है उसको आप लिख लीजिए, लिखिएगा नोट्स बोल के आप लोग नीचे जो मैं बोल रहा हूं उसे आपको लिखना है, लिखिएगा। द मदर्स साइड इज कॉल्ड, द मदर्स साइड इज कॉल्ड, मम्मी के साइड का जो रिलेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैटरनल, एम ए टी ई आर एन ए एल मैटरनल, एम ए टी ई आर एन ए एल मैटरनल, एंड एंड देके लिखिएगा उसी में कंटिन्यू करके लिख लीजिए, एंड दैट ऑन द फादर्स साइड इज कॉल्ड, एंड दैट्स ऑन द फादर्स साइड इज कॉल्ड, दैट्स ऑन द फादर्स साइड इज कॉल्ड पैटर्नल, पी ए टी ई आर एन ए एल, पी ए टी ई आर एन ए एल पैटर्नल। ठीक है, फुल स्टॉप देके लिखिएगा। वेरीवर confusion exists, wherever confusion exists paternal relationship is assumed, then paternal relationship is assumed, तब आप अपने पिताजी के साइड का रिलेशन को अज्यूम करके आंसर दीजिएगा। जहां पर कंफ्यूजन होगा कि किसके साइड के रिश्ते के बारे में बात कर रहा है, वहां पर आपको फादर के साइड का रिलेशनशिप को लेकर के आंसर करना होगा। ठीक है, लिख लिया आप। अब हम लोग इसके बाद प्रॉब्लम सम्स शुरू करने जा रहे हैं। तो जो सम्स है वो एक दो लाइन का क्वेश्चंस होता है, मैं आपको क्वेश्चंस बोल ही देता हूँ, बोल के डिक्टेट करके लिखा देता हूँ, और देन आफ्टर अपने सॉल्व कर लेंगे। सॉल्विंग भी बहुत छोटा है, दो दो लाइन का है आपका, समझ जाओ। लिखिएगा अंजलि, क्वेश्चन नंबर वन, माय डियर स्टूडेंट्स जस्ट राइट डाउन क्वेश्चन नंबर वन। अंजलि इंट्रोड्यूसेस रोहिणी, अंजलि introduces Rohini, Anjali introduces Rohini as the daughter of his father's wife. Full stop देके लिखिएगा, full stop देके। मैंने पूरा क्या बोला एक बार रिपीट कर देता हूं, मैंने क्या बोला है,
अंजलि इंट्रोड्यूसेस रोहिणी एज द डॉटर ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ. फुल स्टॉप देके लिखिएगा. हाउ इज रोहिणी रिलेटेड टू अंजलि. हाउ इज रोहिणी रिलेटेड टू अंजलि. हाउ इज रोहिणी रिलेटेड टू अंजलि. ठीक है, देखो यहां पर क्या लिखा है. फादर्स वाइफ, अंजलि का रिलेशन, अंजलि इंट्रोड्यूस कर रही है तो ऑब्वियसली अंजलि का रिलेशन बताना है. तो अंजलि के फादर्स वाइफ, अंजलि के पिताजी की जो पत्नी है उसकी मदर है ऑब्वियसली, और उसके मदर का ब्रदर है ना, मदर्स ब्रदर उसके अंकल है, मतलब मैटरनल अंकल आप समझ लो है ना, और अंकल की डॉटर वहां पर है, अंकल्स डॉटर यानी कजन है, अंकल्स डॉटर कजन है, मतलब अंजलि का रोहिणी के साथ जो रिलेशनशिप है वह कजन का रिलेशनशिप है. ठीक है, तो आप ये तो कॉपी करोगे ही ताकि आप समझ सकोगे एनालिसिस उसका कैसा है. एग्जाम्स में आपको जो भी सम्स पूछे जाएंगे उसका करेक्ट आंसर कर पाओगे, इसलिए आप अपने कॉपी में तो लिखोगे ही लिखोगे. देन आफ्टर उसके नीचे आप लिख लोगे, या पहले लिख डालो फटाफट, यू हैव सम सेकंड्स, जस्ट राइट डाउन. होप्स आप लोगों का लिखना हो चुका होगा. अब इसके नीचे आप लोग लिख दीजिएगा, जस्ट नीचे लिख दीजिएगा फॉर्मल तरीके से. सो द रोहिणी इज द डॉटर ऑफ, सो द रोहिणी इज द डॉटर ऑफ अंजलिज अंकल. रोहिणी इज द डॉटर ऑफ अंजलिज अंकल. रोहिणी इज द डॉटर ऑफ अंजलिज अंकल. फुल स्टॉप देखें. सो रोहिणी इज अंजलिज कजन. सो रोहिणी इज अंजलिस कजन. रोहिणी इज अंजलिस, ANJALI apostrophes, अंजलिस कजन. ये देखो आपको मैं बता दूं कि आपको ये चीजें एक्सप्लेन तो एग्जाम में नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पेपर है, लेकिन आपको अपने समझने के लिए, एग्जाम्स का प्रिपेयर करने के लिए सब लिख के रखना पड़ेगा. डायरेक्ट ज्यादा दिमाग घुमाने से भी दिक्कत है, आप लिख के रखोगे समझ सकोगे बाद में, थोड़ी दिन बाद तो भूल ही जाते हो तुम लोग. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, जस्ट राइट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन, क्वेश्चन नंबर 2. पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन इन अ फोटोग्राफ. फोटोग्राफ ठीक है. रोशनी सेड ही इज द, रोशनी ने क्या बोला, कॉमा देके लिखिएगा. ही इज द ओनली सन, मतलब फोटोग्राफ में जो व्यक्ति है उसके बारे में रोशनी बता रही है कि ही इज द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर. He is the only son of the father. He is the only son of the father of my sister's brother. Of my sister's brother. Full stop देके लिखिएगा. Sister's brother के बाद full stop देके. How is that person related to? How is that person related to Roshni? How is that person related to Roshni? वह person Roshni से उस person का क्या relation है? ये analysis करना आपको यहाँ पर पढ़ के. ठीक है, एक photograph में वो point out कर रही है. Sister's brother, उसके सिस्टर्स ब्रदर को क्या बोलते हो आप लोग? ब्रदर ही बोलते हो. ठीक, सिस्टर्स ब्रदर. आपकी कोई बहन है
उसका भाई है, ब्रदर ही बोल आपका भी भाई होगा, है ना, सिस्टर्स ब्रदर इज कॉल्ड ब्रदर, एंड फिर ब्रदर्स फादर, ब्रदर्स फादर, यहाँ कजन वजन के बारे में बात नहीं किया, ब्रदर्स फादर आपके भी फादर है, ब्रदर्स फादर आपके भी फादर है, और फादर्स वो ओनली सन है जिसके बारे में बता रहा है, फादर्स सन, अब फादर का सन भी आपका ब्रदर ही होगा, तो रोशनी का उस फोटोग्राफ वाले इंसान के साथ भाई बहन का रिश्ता है ना। देखिए कैसे क्या तरीके से उसमें बोला था, ही इज द ओनली, मतलब फोटोग्राफ ये रहा फोटोग्राफ में बाबा, इसमें एक इंसान है मान लो ऐसे, हाँ, इसको देख करके रोशनी ने बोला कि ये जो आदमी है ही इज द ओनली सन ऑफ द फादर्स ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर, ठीक है ना, मतलब रोशनी बोली रोशनी की कोई बहन है, ठीक है, रोशनी की बहन है रोहिणी मान लो, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, रोशनी बोली कि रोहिणी का उसका क्या है सिस्टर्स ब्रदर, मतलब रोहिणी का भाई, दैट पर्सन इज द रोहिणी का भाई, तो रोहिणी का भाई है तो इसका भी भाई है क्योंकि ये दोनों बहन है, भाई दोनों बहन है, रोहिणी का जो भाई है, और रोहिणी और रोशनी दोनों ब्रदर मतलब सिस्टर है, रोहिणी का जो भाई ऑब्वियसली इसका रोशनी का भी भाई होगा, सिंपल सी बात है, तो लिखा सिस्टर्स ब्रदर ब्रदर कहलाएगा, और ब्रदर्स के पिताजी आपके भी पिताजी होंगे, उसके भी दोनों के पिताजी सेम होंगे, और फिर फादर्स का जो सन है उसका ब्रदर, तो रिलेशनशिप एक्चुअली भाई बहन का है, बट आप यही चीजें जब एग्जाम्स हॉल में बैठोगे प्रैक्टिस में नहीं रहोगे या चीजों को उस समय ऑन इंस्टेंट आपको समझना होता है तो आप गलत करके आ जाओगे, रिप्लाई कंफ्यूजन तो आपको होगा ही कुछ ना कुछ, या फिर लास्ट में वो कैसा एकदम मतलब इरिटेशन आपको होगा कि रिश्ते कहाँ से आ गए, फिर आप गलत कर बैठते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, अगर आपको ये कॉपी करना है तो आप लिख सकते हो, उसके बाद से इनका पर्सन इन द फोटोग्राफ इज रोशनीज ब्रदर्स, ये लिख लो, पर्सन इन फोटोग्राफ सॉरी इज रोशनीज ब्रदर, ये आपको लिखना है तो आप लिख लो, ठीक है, फटाफट आपके पास ज्यादा समय नहीं मिलेगा लिखने के लिए, यू हैव सम सेकंड्स, जल्दी लिख दो। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, स्ट्रेट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, pointing to a man in a photograph, question number 3, pointing to a man in a photograph, pointing to a man in a photograph, a woman said, एक महिला ने बोला photograph वाले man को देख करके, woman said, said के बाद comma देके लिखना, the father of his brother is the only son of my grandfather, is the only son of my grandfather, full stop देके लिखिएगा, grandfather को full stop देके लिखिएगा, How is the woman related to the man in the photograph? इनका relationship क्या है ये आपको बताना, and again this is very simple, अगर आप समझने की कोशिश करो, देखो मैं आपको समझाता हूँ, the only son of grandfather जो होगा वो उसके भाई का क्या बोला है कि the father of his brother, मतलब उसके भाई के जो पिताजी है, उसके भाई का पिताजी तो उसका भी पिताजी होगा रे बाबा, है ना, उसके भाई के जो पिताजी है वो अपने मतलब मेरे ग्रैंडफादर के
ब्रदर इज द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, मतलब मेरे दादाजी के इकलौते बेटे हैं, ये रहे दादाजी, दादाजी के इकलौते बेटे और उनका एक ब्रदर सिस्टर, ये सिस्टर बोल रही है ठीक है इनके बारे में कि ये जो है ना मेरे भाई के दादाजी के इकलौते बच्चे, ठीक मेरे भाई के दादाजी के ठीक है इकलौते बच्चे, ऐसे बोल रही है। तो ये चीज है ओनली सन ऑफ ग्रैंडफादर, इसको मैं हटाता हूं, ओनली सन ऑफ द ग्रैंडफादर यहां पर क्या हो जाएगा, फादर ऑफ वोमेन होगा, फादर ऑफ वोमेन, एंड फिर आपको यहां पर बोला है फादर ऑफ द मैन्स ब्रदर, फादर ऑफ फादर ऑफ मैन्स ब्रदर, यहां पे देखिए ओनली सन ऑफ ग्रैंडफादर फादर ऑफ द वुमेन होगा और फादर ऑफ द मैन्स ब्रदर जो मैन का भाई होगा, फादर ऑफ द मैन्स ब्रदर इज द फादर ऑफ द मैन होगा, मैन, एंड देन आफ्टर यहां पे बोला है मैन्स फादर इज द मैन का जो फादर होगा वही वुमेन का भी फादर होगा। मेरी बात एक बार फिर से एक बार क्वेश्चन को एक बार पढ़ के फिर समझाता हूं मैं आपको इस चीज को, एक बार क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लो मेरे साथ। ये बोला पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, ठीक है फोटोग्राफ में एक आदमी की तरफ पॉइंट करते हुए बोला जा रहा है यहां पर एक महिला के द्वारा, द वुमेन सेड द फादर ऑफ हिज ब्रदर, द फादर ऑफ हिज ब्रदर, ठीक है मतलब ये रहा फोटोग्राफ ठीक है और ये रही लेडी जो बोल रही है, ये फोटोग्राफ वाले व्यक्ति के बारे में बोल रही है, ठीक है ध्यान देना यहां पर, ये लेडी इसके बारे में बोल रही है, क्या बोली है द फादर ऑफ हिज ब्रदर, मतलब इसके फोटोग्राफ वाले व्यक्ति के भाई, ठीक है ना, ऑफ हिज ब्रदर के बारे में बात कर रही है, क्या बोला है द फादर ऑफ हिज ब्रदर, मतलब इसका द फादर ऑफ हिज ब्रदर यानी इसके भाई के जो पिताजी है, ये फोटोग्राफ वाले आदमी के जो पिताजी है इज द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, मतलब मेरे दादाजी के ओनली बेटे हैं, क्या बात हो रहा है, मतलब सीधी बात है कि ये दो भाई है और एक बहन है, ठीक है आपकी जो यहाँ पर बहन है वो अपने एक फोटोग्राफ वाला भाई जो फॉरेन में रहता है उसको दिखा करके बोल रही है कि इसका भाई जो है, इसका जो भाई है उसके पिताजी, मतलब इस फोटोग्राफ वाले व्यक्ति के पिताजी जो है, फोटोग्राफ वाले व्यक्ति के जो पिताजी है ये क्या है मेरे ग्रैंडफादर, मतलब इसका फादर, इस फोटोग्राफ वाले व्यक्ति का ब्रदर का फादर, इधर तो बात में ना पहले यहां समझ लो, इस फोटो लेडी बोल रही है कि इस फोटोग्राफ में जो इंसान है उसके भाई का पिताजी जो है वह मेरे ग्रैंडफादर के, ठीक है मेरे ग्रैंडफादर के इकलौते बेटे हैं। अब देखो क्या हो जाएगा, सीधी सी बात, मतलब ये लिखा है कि ओनली सन ऑफ ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर का ओनली सन, फादर ऑफ वोमेन भी होगा, वो बोल रहे हैं कि मेरे दादाजी के ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, लेडी बोल रही है माई ग्रैंडफादर फादर ऑफ वोमेन होगा, और फिर बोला है कि फादर ऑफ मैन्स ब्रदर, मतलब फोटोग्राफ वाला जो आदमी है उसका जो फादर होगा, मैन्स का ब्रदर जो होगा, मैन्स के ब्रदर का जो फादर होगा वो फादर ऑफ मैन भी होगा, क्योंकि ये बोला है कि मैन्स ब्रदर यानी फोटोग्राफ वाला जो व्यक्ति है उसका ब्रदर के जो पिताजी है वह उस फोटोग्राफ वाले व्यक्ति के भी पिताजी होंगे, ऑब्वियस सी बात है। फिर बोला है कि फिर मैन्स का फादर भी वो मैन्स का फादर होगा, क्योंकि ये दोनों जो है मैन्स का फादर, अब कैसे ये रिलेशन, ये दोनों भाई भाई है, मतलब बोला है कि फादर ऑफ द मैन्स ब्रदर भी फादर ऑफ मैन है, ठीक है मतलब फोटोग्राफ वाले व्यक्ति के जो पिताजी है
उसका फोटोग्राफ वाले व्यक्ति के जो भाई है उसका पिताजी भी, दोनों का मतलब फादर ऑफ मैन मतलब फोटोग्राफ वाले व्यक्ति का पिताजी और जो उसका भाई है उसके पिताजी, दोनों सेम है, ये दोनों पिताजी सेम है। एंड देन आफ्टर ये बोला है कि मैन का जो फादर है वुमेन का भी फादर है क्योंकि वो उसके इकलौते दादाजी के वो बेटे हैं, मतलब ये दादाजी के एक बेटा है, उनका दो बेटे और एक बेटिया है। जो लेडी ने यहाँ पे आप लोग बिल्कुल समझ गए हो, लेडी ने इस फोटोग्राफ वाला व्यक्ति उसका एक ऐसा भाई है जो फॉरन में भाग गया रहता है, उसका फोटो उसके पास यादों के लिए रह गया है, बस उस फोटो को देख के बोल रहे कि इस फोटो वाले व्यक्ति का जो भाई है उसके पिताजी, फोटोग्राफ वाले व्यक्ति का जो भाई है उसके पिताजी मेरे ग्रैंडफादर के इकलौते बेटे हैं, मेरे ग्रैंडफादर के इकलौते बेटे हैं, तो मेरे ग्रैंडफादर का इकलौता बेटा तो इस लेडी का भी पिताजी होगा और फिर इसका भी, और इसका ये बेटा है और ये दोनों भाई है तो ये तीनों ही भाई बहन होंगे, समझ आ रही मेरी बात, तो ये तीनों ही भाई बहन होंगे, तो इनका रिलेशनशिप क्या चीज तरह का, फोटोग्राफ वाले व्यक्ति के साथ वह क्या रिलेशन होगा, फोटोग्राफ वाले व्यक्ति के साथ उसका रिलेशन, वुमेन इज द सिस्टर ऑफ द मैन इन द फोटोग्राफ, ये उसका भागा हुआ विदेशी भाई है, ठीक है। तो आप ये लिख लो अपने समझने के लिए, बट ये डायग्राम आपको ज्यादा कुछ समझा के निकला है, ठीक है, आप अपने सुविधा के लिए से लिखना चाहते हो लिख के रखो, एंड देन आफ्टर नीचे मैं रिलेशनशिप लिखा दे रहा हूं, लिख दो, वुमेन इज द सिस्टर ऑफ, वुमेन इज द सिस्टर ऑफ, सिस्टर ऑफ द मैन इन फोटोग्राफ, फोटोग्राफ में जो व्यक्ति है उसकी सिस्टर है वो महिला, ठीक है, मैन इन द फोटोग्राफ। अब आप ये कॉपी करना चाहते हो कॉपी कर लो, यू हैव सम सेकंड्स कर लो, देन आफ्टर आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए फटाफट, मैं बोल रहा हूं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू अ मैन, होप सो ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा आपका, पॉइंटिंग टू अ मैन इन फोटोग्राफ, पॉइंटिंग टू अ मैन इन फोटोग्राफ, पॉइंटिंग टू अ मैन इन फोटोग्राफ, ठीक है ना, फोटोग्राफ रहा ये, उसमें एक इंसान है, इसकी तरफ पॉइंट करके बोला जा रहा है, अ मैन सेड टू अ वुमन, मतलब एक मेल एक फीमेल को बता रहा है, ठीक है ना, मैन एक वोमेन को बता रहा है, अ मैन सेड टू अ वोमेन, वोमेन के बाद कॉमा देके लिखिएगा, हिज मदर इज द, मतलब इसकी मॉम, ठीक है ना, इसकी मॉम, फोटोग्राफ वाले व्यक्ति की मॉम, हिज मदर इज द, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ, His mother is the only daughter of your father. मतलब इसके जो father है, ठीक है? His mother, इसकी mother जो है, इस female के father की only daughter है, ठीक है ना? क्या लिखे हो? His mother is the only daughter of योर फादर, ठीक है, मतलब तुम्हारे पिताजी के इकलौती बेटी है इस व्यक्ति की मम्मी, ठीक है, फिर फादर, फिर उसके बाद फुल स्टॉप देके लिखिएगा, हाउ इज द वुमेन, हाउ इज द वुमेन, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द, रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ, रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ, रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ, ध्यान से देखिएगा, फादर की डॉटर, फादर्स डॉटर, एनालिसिस है ये आपका, फादर्स की जो डॉटर है ये आपकी, फादर्स डॉटर सिस्टर बोली जाए,
पिताजी की जो बेटी है आपके, पिताजी की जो बेटी आपके सिस्टर, एंड फिर यहां पर बोला है ना आपका सिस्टर्स मदर। सिस्टर की जो मदर है वो आपकी भी मदर होगी, तो इनका जो रिलेशन है वुमेन इज द मदर ऑफ द, देयरफॉर वुमेन इज द मदर ऑफ द मैन इन फोटोग्राफ। थोड़ा ऐसे भी आप लोग समझ लो क्या बात है, पूरी स्टोरीज में क्या है, इनके रिश्ते कैसे हैं। मतलब पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, ठीक है, एक मैन फोटोग्राफ में उसकी तरफ पॉइंट करके ये आदमी इस वोमेन को बोल रहा है, ठीक है ना। सेड टू अ वुमन हिज मदर इज द, मतलब इसकी जो मम्मी है, ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे, इस फोटोग्राफ वाले व्यक्ति की जो मम्मी है इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। मतलब इसके, इस फीमेल के पिताजी की इकलौती बेटी है, यानी फादर के डॉटर, इस फीमेल के फादर, फीमेल के फादर के डॉटर, ठीक है ना, फादर्स के डॉटर सिस्टर हो, ठीक है। एंड फिर बोला है सिस्टर की मदर है ये, सिस्टर्स मदर है, कैसे सिस्टर्स मदर है ये, देखो यहां पर बोल रखा है इस मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ द सन, और यहां पर आपको सिस्टर की जो मदर होगी वह इसकी भी मदर होगी, मतलब इस सिस्टर की जो मॉम होगी वो इसकी भी तो मॉम होगी। अब ये इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, वोमेन इज द मदर ऑफ द, तो ये जो वोमेन है इसकी जो मदर इन द फोटोग्राफ है, तो सिंपल सी बात है आपका यहां पर वोमेन इज द मदर ऑफ द मैन इन द फोटोग्राफ। आप इसको लिख सकते हो एक बार जल्दी से, कॉपी कर लो इसको फटाफट, आपके पास कुछ सेकंड है। देखो अब हम लोग नए क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, डाउट्स है आपको, ठीक है, एक बार और बताता हूं आपको। यहां पे देखिए ये जो मेल पर्सन है ये इस फोटोग्राफ को देख के बोल रहा है कि इस फोटोग्राफ वाले व्यक्ति की जो मम्मी है कोई होगी, मम्मी है, और इस फीमेल से बोल रहा है कि इस फीमेल को ही बता रहा है कि आपके पिताजी की इकलौती बेटी है। अरे बाबा, ये फीमेल के पिताजी की अगर इकलौती बेटी है और ये इंसान की मम्मी है, ओनली डॉटर बोला है, तो ऑब्वियसली इसके पिताजी के इकलौती बेटी, तो इकलौती बेटी तो यही होगी, आप ये भी सोचो कि इसकी अपने पिताजी की इकलौती बेटी तो यही होगी, अगर ये इकलौती बेटी कोई दूसरी है तो ये फिर कौन है, उसके पिताजी के इकलौती बेटी बोलने का मतलब तो ये मेल, ये जो फीमेल है और यहाँ पे जो इसकी मम्मी है, दोनों एक ही जन है, ये दो लोग अलग अलग नहीं है बाबा, हाँ ये दोनों एक ही है। मतलब ये जो फीमेल को ये मेल बता रहा था ना कि कोई लेडी है, उनको मैं बता रहा हूं, मान लो कि आपके पिताजी की इकलौती बेटी जो है इस फोटोग्राफ वाले व्यक्ति की मम्मी है, तो वो कौन है, ठीक है, तो इस फोटोग्राफ वाले व्यक्ति के साथ इस फीमेल का क्या रिलेशन है, यही बता रहा है ना, मम्मी है उसकी, यही इंसान, यही लेडी को बता रहा है, और ये उसकी अपने पिताजी की इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी है, और उसी को ये दूसरा इंसान बता रहा था, इकलौती बेटी है तो एक ही होगी ना रे बाबा, नहीं तो फिर ये दोनों तो बहन बहन हो जाएगी, है ना। तो ये फोटोग्राफ वाले व्यक्ति के साथ इस फीमेल का भी मम्मी का ही रिलेशन है, और वही दोनों एक ही पर्सन है, ठीक है, अब आपका शायद क्लियर हो गया होगा बात। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करो, क्वेश्चन नंबर 5 होगा प्रोबेबली आपको, जस्ट राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए, 5वां नंबर सब्स आपका, इंट्रोड्यूसिंग विनीता, इंट्रोड्यूसिंग विनीता टू गेस्ट,
इंट्रोड्यूसिंग विनीता टू गेस्ट्स। भाविक सेड, भाविक BHAVIK भाविक सेड, सेड भाविक ने बताया विनीता को गेस्ट के सामने इंट्रोड्यूस करते हुए भाविक नाम के एक आदमी ने बताया, क्या बताया कॉमा देकर लिखिए, हर फादर मतलब विनीता के पिताजी, ठीक है, हर फादर इज द ओनली सन ऑफ, इज द ओनली सन ऑफ, हर फादर इज द ओनली सन ऑफ माय फादर, हर फादर इज द ओनली सन ऑफ माई फादर, माई फादर फुल स्टॉप देके लिखिएगा, फुल स्टॉप देके, हाउ इज विनीता रिलेटेड टू, हाउ इज विनीता रिलेटेड टू, हाउ इज विनीता रिलेटेड टू भाविक, हाउ इज विनीता रिलेटेड टू भाविक, हाउ इज विनीता रिलेटेड टू भाविक, जी देखो आप लोगों को यहाँ पे क्या बोला है, भाविक नाम का एक इंसान है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, ठीक है, भाविक ये बोल रहा है कि विनीता का जो फादर है, विनीता का जो फादर है इज ओनली सन ऑफ, इस भाविक का फादर का क्वेश्चन तो ऐसे है भाई, बोला है विनीता का जो पिताजी है वो मेरे, भाविक खुद बोल रहा है कि मेरे पिताजी का ओनली सन विनीता का फादर है, यानी भाविक खुद के बारे में बता रहा है, ओनली सन का मतलब क्या हुआ, एक लौता बेटा है, ये बोल रहा है कि मेरे पिताजी का, भाविक बोल रहा है कि मेरे फादर का ओनली सन की ये बेटी है, ओनली सन जो है मेरे पिताजी का एक लौता बेटा इस विनीता का फादर है, अब इसके पिताजी का अगर एक लौता कोई बेटा है और वो दूसरा है कैसे हो सकता है, भाविक खुद ही होगा तभी तो उसकी ये बेटी होगी, समझे मेरी बात को, भाविक का, भाविक बोल रहा है कि विनीता का जो पिताजी है वह मेरे पिताजी का एक लौता बेटा है, यानी भाविक खुद के बारे में बता रहा है, अब भाविक के साथ विनीता का क्या रिलेशन है, विनीता इज डॉटर ऑफ भाविक, ठीक है, तो लिख लीजिए इसको कैसे, इसको एनालिसिस आप दिखाओगे यहां पे, लिख के तो दिखा दो आप लोग यहां पे, द ओनली सन ऑफ Bhavik's father is Bhavik himself, खुद के बारे में बता रहा है, himself खुद के बारे में बता रहा है, and this means Bhavik is father of Vinita, therefore यहां पे हमने क्या पूछा था, how is Vinita related to Bhavik, तो Vinita is the daughter of Bhavik लिख देंगे, Vinita is, वो V से लिख रहे हैं क्या, okay, Vinita is daughter of Bhavik. Then अभी आप लोग इसको लिख लो, ये लिख लो, ये डायग्राम बनाना है डायग्राम बना लो जो इच्छा, ये लिखोगे ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, काम आएगा लॉन्ग पीरियड के लिए,
चलिए आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। पॉइंटिंग आउट टू अ फोटोग्राफ, पॉइंटिंग आउट टू अ फोटोग्राफ, पॉइंटिंग आउट टू अ फोटोग्राफ, a man tells tells man tells his friend, a man tells his friend, friend के बाद आप कॉमा देके लिखिएगा obviously, she is the daughter कॉमा देके लिखिएगा, she is the daughter of the only son, she is the daughter of only son, she is the daughter of only son of my father's wife, of my father's wife फिर से रिपीट करता हूं मैं, she is the daughter of the only son, she is the daughter of the only son of my father's wife, my father's wife, फुल स्टॉप देके लिखिएगा, फुल स्टॉप देके, how is the girl in the photograph related to the man, how is the girl in the photograph related to the man। बच्चों क्या बोला ना, ये एक फोटोग्राफ है, इस फोटोग्राफ में एक गर्ल है, ठीक है, इस गर्ल को देख करके एक इंसान है, मान लो ए नाम है उसका, इस गर्ल को देख करके एक बी नाम के इंसान से बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, बी नाम के इंसान से बोल रहा है कि ये जो लड़की है, ठीक है, वह क्या है, सी इज द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माई फादर, यानी ए के फादर्स वाइफ, अब ए के पिताजी की जो वाइफ होगी वो इसकी मदर होगी ऑब्वियसली, ठीक है, और ये मदर्स का ओनली सन है, मदर्स ओनली सन, ओनली सन मतलब एक लौता बेटा, अरे बाबा मम्मी का एक लौता बेटा है तो पापा का भी एक लौता बेटा होगा, हाँ, और उसकी ये बेटी है, यानी खुद के बेटी के बारे में बता रहा है फोटो दिखा करके बी को, हाँ, और ये बता रहा है कि गर्ल का इस व्यक्ति के साथ क्या रिलेशन, दिस गर्ल इज द डॉटर ऑफ दिस पर्सन, समझ आ रहा आपको, दिस गर्ल इज द डॉटर ऑफ दिस पर्सन, ऐसा है इनका रिश्ता। ए ने इस गर्ल का फोटोग्राफ दिखा के बी को बोला कि मेरे पिताजी की वाइफ मतलब मेरी मम्मी, उसकी इकलौता है तो मतलब वो खुद के बारे में बात कर रहा है, इकलौते बेटे के ये बेटी है, मतलब उसकी खुद की बेटी है, तो लिख लीजिए इसको, फादर्स वाइफ को मदर बोलते हैं, ये तो लिखा ही है, और मदर्स ओनली सन मतलब हिमसेल्फ के बारे में बात कर रहा है, यानी लिख देंगे the girl in the photograph is her the girl in the photograph is man's daughter, और उस इंसान की खुद की अपनी बेटी है, तो आप इसे भी अगर चाहते हो तो ये डायग्राम्स या सिर्फ यहां से आप लिख लो, ये तीन लाइन हो जाएगा, जस्ट यू हैव 3 or 4 seconds लिखना चाहते हो लिख डालो जल्दी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 7 होगा, लिखिए क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग। ए एंड बी आर ब्रदर्स
ए एंड बी आर ब्रदर्स, मतलब ए और बी दोनों भाई है, ठीक है। फिर लिखिए सी एंड डी आर सिस्टर्स, उसके बाद लिखिएगा फुल स्टॉप देके लिखना, ए एंड बी आर ब्रदर्स, फुल स्टॉप देके लिखना, सी एंड डी आर सिस्टर्स, ओके, सी एंड डी आर सिस्टर्स, फुल स्टॉप देके लिखिएगा। एज सन, मतलब ए का जो बेटा है, एज सन, एज सन इज द डीज ब्रदर, मतलब डी के ऊपर स्ट्रॉफी देके लिखिएगा डीज ब्रदर, एज सन इज द डीज ब्रदर, एज सन इज द डीज ब्रदर, डन, डीज ब्रदर, फुल स्टॉप देके लिखिएगा। फुल स्टॉप के बाद हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, ये क्वेश्चन, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, पहले ये समझो डायग्राम में ये सब खेल खत्म है, ठीक है ना। हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, देखिएगा ए और बी दोनों भाई हैं, सी और डी दोनों बहन है, सी और डी दोनों क्या बहन है, ए का जो बेटा है वो डी का भाई है, एज सन डी का भाई है, ठीक है ना, डीज ब्रदर। अब ए का बेटा अगर डी का भाई है तो ये दोनों भाई बहन है, और ये दोनों भाई बहन है तो सी और डी भी, सी और ए का जो बेटा है वो दोनों भी भाई बहन है, मतलब सी और डी भी दोनों भाई बहन है, मतलब ये सी भी और डी तो दोनों सिस्टर है ही, जो डी का भाई है वो सी का भी भाई, यानी सी और डी दोनों कौन है, सी और डी दोनों सिस्टर है, ओन सिस्टर है, और बी अगर ए का भाई है तो सी का ये अंकल है, बी और सी के बीच क्या चीज का, ये बी जो है सी का अंकल है, समझ आ रहा है, सिंपल सी बात है, तो लिख लीजिए आप यहां पर, बहुत सिंपल है, मैं ये तो डायग्रामेटिकली आपको बताया है, यहां पे लिखिएगा बी इज द ब्रदर ऑफ, बी इज द ब्रदर ऑफ ए एंड एज सन इज डीज ब्रदर, ए का जो बेटा है डी का ब्रदर है, एंड दिस मीन्स, दिस मीन्स डी इज द, इसका मतलब क्या हुआ, ए का जो बेटा है डी का ब्रदर है, ठीक है, और डी तो लड़की है तो डी का भाई है ए का बेटा, यानी ए का बेटा और डी, तो डी भी क्या हो जाएगा, डी इज ऑल्सो द डॉटर ऑफ, दिस मीन्स डी इज डॉटर ऑफ ए, ठीक है, डी ए की बेटी है, और सी इज द सिस्टर ऑफ डी, सी इज द सिस्टर ऑफ डी, डी की सिस्टर है, it means C is also daughter of A. देखो क्या मैंने लिखा, B is the brother of A, B A का भाई, फिर बोला है A is the son of D brother, A जो एज सन, A का जो बेटा है वो D का भाई है, यानी ए का जो बेटा है वो डी का भाई है, यानी डी भी ए की बेटी है, और डी ए की बेटी है, और डी की सिस्टर सी है, यानी सी भी ए की बेटी है, और सी अगर ए की बेटी है और ये दोनों भाई है तो ये दोनों अंकल और उसकी नीस होगी, ये रिलेशन है इनका, सी इज द ऑल्सो डॉटर ऑफ ए, देयरफॉर क्या हो जाएगा, बी इज द अंकल ऑफ, अंकल ऑफ सी, तब भी सी का अंकल हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं आपको, यहां तो ये तो कॉपी करना ही है आपको, फिर भी मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, ए का जो बेटा है वो डी का भाई है, ए का बेटा जो है वो डी का भाई है, यानी डी भी ए की बेटी है, और डी अगर ए की बेटी है तो डी की अपनी एक सिस्टर भी है सी,
यानी सी भी ए की बेटी है, और सी जब ए की बेटी है तो बी ए का भाई है। अब आपके पिताजी का भाई अंकल बोला जाता है, तो सी का अंकल है बी। सिंपल सी बात है, जस्ट कॉपी इट योर सम सेकंड्स, जल्दी कॉपी कर लो आप लोग, दो चार सेकंड आपको मिलेगा बस कॉपी करने में, देन आफ्टर आई विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, my dear students, come to the next question number 8. Question number 8 पे आप आ जाओ, लिखोगे। सजनी introduces, सजनी S-A-J-A-N-I, सजनी introduces साजन, सजनी introduces साजन saying, सजनी साजन को introduce कर रही है, क्या बोल के introduce कर रही है? Saying, saying के बाद comma देके लिखना। He is the husband of, मतलब जो साजन है, he is the husband of the, granddaughter, granddaughter of the father of, my father, he is the husband of the granddaughter of the father of my father। ठीक है, मतलब सजनी के पिताजी के बारे में बता रही है, ठीक है ना। my father, फुल स्टॉप देके लिखिएगा। how is sajan related to, How is Sajan related to Sajani? देखो भाई, थोड़ा अच्छे रिश्ते हैं इनके, ध्यान से समझो आप लोग। Father's father, क्या बोली है? Sajani introduces Sajan, saying, Sajani Sajan को introduce कर रही है, क्या बोल के introduce कर रही है? रुक जाओ अभी, Sajan क्या बोल रही है? He is the husband of the granddaughter of the father of my father's, मतलब मेरे पिताजी के फादर, तो यानी फादर्स फादर, आपके पिताजी के जो पिताजी है उनको ग्रैंड फादर बोलते हैं। ठीक है भैया, लिख दो भैया ग्रैंड फादर, फादर्स फादर, ये ग्रैंड फादर जो है इनकी ग्रैंड डॉटर, मतलब मेरे दादाजी की ग्रैंड डॉटर, ठीक है, इनकी ग्रैंड डॉटर, ठीक है, ग्रैंड डॉटर। अब इनके, इसके पिताजी, ये रही सजनी, सजनी के पिताजी के जो पिताजी उसके ग्रैंडफादर है, और ग्रैंडफादर की जो डॉटर है वह ग्रैंड डॉटर है, यानी ये ग्रैंड डॉटर ये भी तो है, सजनी भी तो है, क्योंकि सजनी के पिताजी के ही ये पिताजी है ना, तो सजनी भी ग्रैंड डॉटर है और ये भी ग्रैंड डॉटर है ना, ये भी ग्रैंड डॉटर है, यानी सजनी और ये जो ग्रैंड डॉटर है दूसरी वाली, ये दोनों क्या है? सिस्टर, दोनों क्या है? सिस्टर है। और इस ग्रैंड डॉटर जो है, यानी सजनी की कोई अपने बहन है, ये जो ग्रैंड डॉटर है ये सजनी की सिस्टर है, और उसका हस्बैंड के बारे में बात हो रहा है, ठीक है ना, हस्बैंड के बारे में बात हो रहा है। यानी माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनो, अगर मान लो सजनी की कोई सिस्टर है, वह ये भी ग्रैंड डॉटर है, एक ग्रैंड फादर की ग्रैंड डॉटर सजनी भी है, और एक और ग्रैंड डॉटर है, मतलब ये सजनी और ये दोनों क्या है? सिस्टर है। ओके, और सिस्टर का जो हस्बैंड है उसको क्या बोलते हैं? ब्रदर इन लॉ बोलते हैं। सिस्टर का अगर कोई हस्बैंड है, जैसे आप मान लो दो बहन हो, कोई मेरी अगर मान लो स्टूडेंट है, उस दो बहन है, उसकी दीदी का जो हस्बैंड होगा उसका ब्रदर इन लॉ कहलाएगा। अब हिंदी में तुम लोग जो बोलते हो, बट ब्रदर इन लॉ इंग्लिश में, ठीक है। तो यहां पर लिख डालो भाई,
कैसे लिखोगे? ऐसे लिख लो, यहाँ पे एरो मार्क कर लो ना, अच्छा रहेगा ये। सजनीस फादर्स फादर ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर की जो डॉटर है, ये ग्रैंड डॉटर और सजनी, ये रहे सजनी, ये दोनों के बीच कैसा रिलेशनशिप रहेगा? ये इनके और इनके बीच जो रिलेशनशिप है, सिस्टर है ये दोनों, और ये सिस्टर का हस्बैंड है, ठीक है ना। ये जो हस्बैंड है उसका नाम क्या भाई? साजन। ओके, तो ये सजनी और साजन के बीच जो रिलेशन है, ब्रदर इन लॉ का है। ओके, तो आप लिख सकते हो ऐसे, अब लिखने वाला जो स्टाइल है, फादर्स फादर को ऐसे लिख सकते हो आप लोग, फादर्स फादर ग्रैंडफादर बोलते हैं, ठीक है, एंड ग्रैंडफादर ग्रैंडडॉटर्स, ग्रैंडफादर्स ग्रैंडडॉटर को सिस्टर बोलते हैं, वो उसकी सिस्टर होगी सजनी, और सिस्टर्स का जो हस्बैंड होगा, सिस्टर का जो हस्बैंड होगा वो ब्रदर इन लॉ कहलाता है, ब्रदर इन लॉ। तो यहां पे साजन इज सजनी, सजनी इज ब्रदर इन लॉ, और उसका ब्रदर इन लॉ है। ये आप लोग लाइन कॉपी कर लो या फिर ये डायग्राम बना लो, एज योर विश, दोनों करना है दोनों कर लो। आप लोग जस्ट कुछ सेकंड दे रहा हूं, बस फटाफट इसको आप लोग कॉपी कर लो अपनी कॉपी पे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, होप सो आप लोगों ने इसको कॉपी कर लिया होगा पूरी तरह से, और आज का क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस आपके वो अगले क्लास में आपको कराए जाएंगे, और देन आफ्टर आपको जो पीडीएफ हमारी तरफ से दिया जाता है होमवर्क करने के लिए, वो पीडीएफ भी आपको शेयर किया जाएगा। आज का क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।